देखे इनको अपनी दुकान पे नहीं मिलता कुछ नहीं, बाहर करें इनको। नमस्कार जी, पंजाब की केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ है लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की देख रहे हैं। मंडी में नासिक का प्याज भी बड़ी मात्रा में है, पंजाब से भी प्याज की आपूर्ति हुई है और आलू की तो बहुत सारी वैरायटी इस वक्त सोलन सब्जी मंडी में देखने को मिल रही है। आलू 13 से 14 रुपए से लेकर 22 रुपए प्रति किलो तक सोलन सब्जी मंडी में आलू बिक रहा है। अहमदाबाद का आलू भी है और इसके अलावा पंजाब से भी आलू की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में हुई है। तो कुल मिलाकर आलू आज सोलन सब्जी मंडी में बड़ी मात्रा में आलू की आपूर्ति हुई है। प्याज की बात करें तो प्याज के भाव में आज 1 रुपए की गिरावट भी देखने को मिली है। कल 21 से 22 रुपए के बीच में प्याज सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा था नासिक का, और आज 20 रुपए से लेकर 22 रुपए के बीच में सोलन सब्जी मंडी में नासिक के प्याज का रेट है। तो पंजाब का प्याज मंडी में 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रहा है। ये सामने जो बोरियां आप देख रहे हैं आलू की है और यह 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आलू सोलन सब्जी मंडी में बिक रहे हैं। तो कुल मिलाकर आलू बड़ी मात्रा में ऊना का आलू भी सोलन सब्जी मंडी में आ रहा है। ये लाल आलू है जो 22 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। 22 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लाल आलू सोलन सब्जी मंडी में। ऊना का आलू तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि वो मंडी में आज 17 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ऊना का आलू सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है, जबकि नासिक का प्याज मंडी में 20 रुपए भी है, जो 21 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था वो अब 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से है, और जो 22 रुपए का रेट है जिसका वो 22 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ही बिक रहा है। तो जो कल 22 रुपए था वो आज भी 22 रुपए है, लेकिन जो कल 21 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था प्याज वो आज 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। तो कुल मिलाकर दिनेश सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। अमित शर्मा जी का स्वागत है। वीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन सब्जी मंडी की तस्वीर है इस वक्त आप देख रहे हैं। लहसुन सोलन सब्जी मंडी में आना शुरू हो चुका है। 120 रुपए प्रति किलो तक मंडी में लहसुन बिका है। सूखा हुआ लहसुन 150 रुपए प्रति किलो तक मंडी में आज बिका है। तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी में आलू की सैंपल भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह की क्वालिटी है। क्वालिटी शानदार है सोलन सब्जी मंडी में। आलू ऊना से भी मंडी में बड़ी मात्रा में आलू पहुंच रहा है। तो सोलन सब्जी मंडी की तस्वीर है हम आपको इस पर और डबल मंडी में सब्जियां भी डबल मात्रा में पहुंची हुई है। आलू और प्याज की खरीद जारी है। सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें तस्वीरों के माध्यम से आप इस वक्त तस्वीरें भी देख रहे हैं कि आलू प्याज बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में आया है और नासिक से प्याज की आपूर्ति हो रही है। नासिक के प्याज के अलग अलग भाव है। बंटी जी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, तो बंटी जी से भी जानेंगे। नमस्कार जी। बंटी जी, आज आलू और प्याज में थोड़ी नरमी लग रही है। हाँ जी, ये वाला प्याज बिक रहा है जी हमारे पास 20 रुपए और नासिक बिक रहा है 22 रुपए किलो। ये प्याज 20 रुपए और नासिक 22 रुपए। और नया प्याज ये पंजाब वाला बिक रहा है 15-16 रुपए किलो। और आलू बिक रहा है हमारे पास जी, ये लाल आलू बिक रहा है 2300 का कट्टा, यानी कि 23 रुपए किलो, यानी कि 1150 का कट्टा। और जो दूसरा पक्के छिलके वाला जो बिक रहा है 15 रुपए किलो। और ऊना का बिक रहा है जी 16 रुपए किलो। हाँ जी, अभियानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो बता रहे हैं कि नासिक का प्याज कोटखाई में 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। बिल्कुल जी, बाजार में तो प्याज के रेट अगर आप कोटखाई की बात कर रहे हैं, या तो सोलन में भी कई जगहों पर 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ही प्याज बिक रहा है बाजार में, और यह कमी संबंधित विभागों की है जो चेक नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि आम उपभोक्ता ठगा जा रहा है। फतेह सिंह ठाकुर जी, छोटू राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, दिनेश सोनी जी, अमित शर्मा जी।
नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मंडी में आज आलू की बहुत सारी वैरायटी है। लाल आलू भी सोलन सब्जी मंडी में आया है, पक्के छिलके वाला आलू भी सोलन सब्जी मंडी में है और उन्ना का आलू भी सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त सोलन सब्जी मंडी में उन्ना का आलू भी बिक रहा है और जो लाल आलू है वो सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त बिक रहा है 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से और मंडी में उन्ना का आलू बिक रहा है 16 रुपए और पक्के छिलके वाला आलू मंडी में बिक रहा है इस वक्त 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। तो सोलन सब्जी मंडी में आलू किस तरह के भाव हैं। प्याज की बात करें तो प्याज 20 रुपए भी है, नासिक का 22 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी बिक रहा है और पंजाब का प्याज मंडी में आज बिक रहा है 15 से 16 रुपए प्रति किलो के बीच में। तो सोलन सब्जी मंडी में से अभी फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। लोकल लहसुन मंडी में पहुंचा है 120 रुपए मैक्सिमम रेट रहा है। सूखा लहसुन 150 रुपए तक सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है क्योंकि बहुत सारे किसान गीला लहसुन ही मंडी में लेकर आ रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का 120 रुपए है। मीडियम आकार का लहसुन 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिका और छोटे आकार का जो बिल्कुल छोटा होता है गोली टाइप वो लहसुन बिका है मंडी में आज 70 रुपए। और नवीन सुन जी कुमारा टीम से जुड़ गए हैं। लाल आलू आज मंडी में 23 रुपए प्रति किलो है, उन्ना का 16 रुपए है और जो पक्के छिलके वाला आलू मंडी में आया है वो 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। तीन वैरायटी हैं आलू की सोलन सब्जी मंडी में। नवीन सूजी का हम स्वागत करते हैं। आजकल नवीन सूजी इलेक्शन में बहुत ज़्यादा बिजी हैं और यादव नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। टमाटर आज 600 से 650 रुपए प्रति क्रेट के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में। हरियाणा से भी लहसुन आया, टमाटर आया, बेंगलौर का भी है और बेंगलौर के साथ अहमदाबाद का टमाटर भी सोलन सब्जी मंडी में पहुंचा है। तो पंजाब केसरी टीवी में अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मटर के रेट बताएंगे, बने रहिएगा पंजाब केसरी टीवी के साथ। उसके बाद मौसम की भी अपडेट देंगे, किस तरह से मौसम ने कल करवट बदली थी। हिमाचल प्रदेश में झमाझम बरसात प्रदेश में कई जगहों पर हुई और उसके बाद मौसम कूल हो गया। तो सोलन सब्जी मंडी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।